देखो दे नो वीकली का पिक्चर देखो दे सी यू से फर्स्ट दे आस्क यू क्वेश्चन यू आस्क फर्स्ट नो ही आस्क कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए देखने के लिए आर यू एक्साइटेड टू सी द फिल्म से यस यस क्या कहना चाहेंगे सर सी हमेशा से एनिमेशन फिल्में जो हैं इंडिया में भी कोशिश हो रही है अच्छी बने बट डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पर जो क्वालिटी है एनिमेशन की दे आर मच बेटर बट आई थिंक इन इंडिया ऑल्सो देर आर सर्टन फिल्म्स जो उस लेवल पर आने की कोशिश कर रही हैं तो यही चीज़ें हैं बच्चे भी देखते हैं और यू नो दे एन्जॉय बिकॉज बेसिकली तो ये आप बड़े हैं वो यू एन्जॉय इट एज अ फिल्म मेकिंग यू नो अगर स्पेशली अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो आप एक एनिमेशन फिल्म को भी उसी तरीके से देखते हैं जैसे कि क्वालिटी क्या है उसकी टेक्निक की वजह से भी देखते हैं पर आई थिंक किड्स दे जस्ट एन्जॉय उनको सिर्फ मस्ती से मतलब है फिल्म अच्छी लगनी चाहिए स्टोरी अच्छी लगनी चाहिए मज़ा आना चाहिए दैट्स इट यू नो ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा ट्रेंड है बिकॉज ये एक्टर्स के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है मतलब एज एन एक्टर अगर मुझे ऐसा कुछ करने को मिले तो आई वुड लव टू डू इट बहुत मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर कॉम्पिटेंट एक्टर्स जब इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करते हैं तो फिल्म को भी एक अच्छा व्यूइंग मिलता है एक लोग पसंद करते हैं और जाने पहचाने एक्टर्स की वॉइस सुनने को भी मिलती है पूछो ना ही इज आस्किंग यू कि आपको कार्टून अच्छे लगते हैं देखना नहीं अच्छे लगते कार्टून देखते ही नहीं आप विच आर योर फेवरेट कार्टून Octonauts. So say your favorite octonaut? Octonauts. Say octonauts. You want to say octonauts? Octonauts. He is into not in a mood. Thank you. All the best for race 3. बहुत एक्साइटेड हूँ एज जब पार्ट वन रिलीज हुई थी तब मैं नहीं थी बट आई एम वेरी कीन टू वॉच पार्ट टू आई लव कार्टून्स बट नाउ आई डू वॉच डिज्नी चैनल बट समटाइम्स आई ऑल्सो लाइक वॉचिंग कार्टून मूवीज लाइक टीन टाइटन्स गो एंड अदर डिज्नी मूवीज हाँ
मैं जा रही हूँ, एज माई वेकेशन आर गोइंग ऑन, मैं शूट पर जा रही हूँ, तो वी मीट ऑफ. हाय, थोड़ा सा और आगे आ जाए. क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप दोनों से क्वेश्चन, कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग फिल्म कमिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो दिस इज गॉट एवरीबॉडी हाइप्ड अप. 2014 के बाद 2000 में किसी बनी थी, हाँ खाने वाली थी, तब काजोल दे रही है वैसे, क्या कहना चाहोगे? सो एक्चुअली वी वर नॉट सपोज टू कम हियर टुडे, बट जब मुझे पता चला था कि इट्स इनक्रेडिबल, मैंने सिर्फ बता दिया बच्चों की कि आज शायद बिकॉज द ट्रायल इज अ लिटिल अर्ली, तो बोला कि डैडी आप शूटिंग छोड़ के जल्दी आ जाइए, बिकॉज वी हैव टू सी दिस मूवी, वी हैव टू सी दिस मूवी, वी हैव टू सी दिस मूवी, बिकॉज पहली बार हमने देखा था, एंड वी कंसिडर आर सेल्व द इनक्रेडिबल्स फैमिली, है ना, वी ऑल सी आर सेल्व इन दैट रोल एंड ऑल. तो वेल, वी आर हियर फॉर द मूवी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट इट इज अबाउट. आई नो इट्स ऑलवेज डिज्नी मेक्स ऑल दीज फैंटास्टिक मूवीज विद यू नो गुड ह्यूमर एंड गुड एनिमेशन, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Family entertainer, well, obviously there's a new member in the family this part has, very excited how the baby does, and I think it's the third or fourth time, I think you're watching a film, no? First very, so first film, and then the third film she's watching, so really, I don't, it's a testing time for us also maybe. आए दिन अब देखा जा रहा है कि कार्टून्स के वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि होमवर्क नहीं करना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे बच्चे, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसे पहले दिखा रहे हैं इसको, होमवर्क की बारी नहीं है अभी तक, अभी स्टिल टाइम, सो बट शी शुड एंजॉय, और बच्चे बहुत फास्ट सीखते हैं, इसके लिए होता है आप एंजॉय भी करने दें उनको और उसके बाद होमवर्क भी, तो यार पता है कुछ टाइम के बाद ना तो पिक्चर देखने को मिलेंगी, लेकिन बाहर जाने को मिलेगा, इतना प्रेशर आ जाएगा, सो दिस इज राइट टाइम टू वॉच फिल्म्स आई थिंक. Thank you. Arvind. Hello, pehle start ye story banata fir channel ke liye. Arvind. Aap nahi kar loge.